ठीक है ना। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मतलब ये टेम्पररी नहीं रहता है। अगर मैं तुमको परमानेंट और टेम्पररी का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लाइक थोड़ा फालतू एग्जांपल है बट यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट। मैंने ऐसे देखा है मेरी क्लासेस में कि जनरली घटिया एग्जांपल देने पे बच्चे बड़ा याद रखते हैं उसको। एग्जांपल देना तो फिर से भूलते हैं। तो मान लो यहाँ पे ऐसे चार लड़के लोग खड़े, ओके ये लड़के हैं और यहाँ से एक लड़की गुजरती। ठीक है, तो ये चार है ना आपस में डिस्कस करते रहते हैं, बट सडनली है ना एक उसमें से कॉलर सही करने लगता है। आदि सुन रहे हो ना? हाँ सर। एक बाल पे हाथ घुमाने लगता है और दूसरा खुजली करने लगता है गर्दन में, मतलब ऐसा चालू हो गया। और ये स्टार्टिंग ऐसे गुजर रही थी, अब ये यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ से ये स्क्रीन के बाहर चली गई, बराबर। सब नॉर्मल हो गए, सब नॉर्मल बराबर। मतलब जब ये थी तब इन लोग का शर्ट का बनाना, बाल का बनाना, ये सब चालू था। जैसे ये चली गई गायब हो गया ना सर। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। हाँ सर। और परमानेंट मतलब जैसे किसी की शादी हो गई तो उसके बाद वो कुछ बदल नहीं सकता, समझ रहे हो ना। ऐसे भी ना एक बड़ा ढांसू एग्जाम्पल है मेरे पास, आपने मैन विल बी मैन का वो लिस्ट में वो लड़की आती है और वो तो दैट कॉल्ड एज टेम्पररी इफेक्ट। और जैसे ही वो जाती है बाद में परमानेंट इफेक्ट दिखता है कि उनकी बेली जो है वो आगे है। इज इट क्लियर? हां सर। देखो आपके पास अगर दिमाग है तो भाई आप कहीं पे भी लगा सकते हो। हाँ सर, बट जरूरत से ज्यादा दिमाग का भी होना प्रॉब्लम है। जैसे मैं बताया था ना आदि, मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को चर्चगेट का सी जो है ना वो कार्बन लगता है। हाँ सर, इतना मेरे ज्यादा दिमाग में है ना ऐसा घुस गया है सर। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एक्चुअल में ये क्या है? हाइपोथेटिकल है, परमानेंट है लेकिन हाइपोथेटिकल है। मतलब वही वाली बात फिर आ गई रेजोनेंस में। नहीं नहीं, रेजोनेंस तो यार रियलिटी में वैसा होता है उसका सर आपने। हाँ अच्छा, हाँ स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल, स्ट्रक्चर्स को हाइपोथेटिकल बोला था ना, मतलब वो एक एक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वही वाली बात है। मतलब जैसे कि अब वो मैन विल बी मैन में वो लिफ्ट में थी तो उन लोग ने बेली अंदर लेके उनके दिमाग में कुछ आया होगा विचार, राइट। तो वो सारे विचार हाइपोथेटिकल थे, उसका रियलिटी से कोई लेना, राइट। ओके, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर कार्बन हेलोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये एक्स हेलोजन है। अच्छा, हेलोजन के लिए एक्स अल्फाबेटिक क्यों लिया आदि? डेंजरस होता है एक्स, मतलब हाँ। और फिर एक्स को भी डेंजरस बोलते हैं, पता है क्यों? एक्स को क्यों? अच्छा, अभी वो पढ़ाव आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि वो भी डेंजरस है, आपकी पोल खोल देगी या खोल देगा कि आप कैसे हो। इसीलिए तो एक्स अल्फाबेट यूज किया, नहीं तो ए से लेके जेड तक कितने सारे थे। अरे हर एक चीज की वजह होती है। पता है, और ये हमको ज्ञानी पुरुष अरिजीत सिंह ने बताया। हाँ, उन्होंने ही गाना बनाया ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। और फिर और एक और बताया था, मुस्कुराने की वजह होती है, वो गाना है ना उनका, ऐसा है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसेंशियली पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदि मैं इसको कलर करने जा रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन मत पूछना सर उसमें कुछ कलरफुल था। कलरफुल इसलिए है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट। हाँ सर। अच्छा ये काम है ना, काम पूरा रेजोनेंस जैसा ही काम करता है। हेलो, ये पूरा रेजोनेंस जैसा काम करता है, लेकिन ये सिर्फ CH और CX में ऑपरेट होता है। और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना, इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। हाँ सर। सर 2 मिनट रुको ना, मैं 1 मिनट में आई, मुझे कुछ लेना है। 2 मिनट। हम ये तो खतरनाक स्टेटमेंट बोल रहा है। 2 मिनट रुको। सर मतलब आई मैं, मेरे को कुछ काम है। 2 मिनट बस। द सेकंड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी अगेंस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट। 2 मिनट के लिए रुको। ओके ओके ठीक है, तुम जाके आओ। इन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो आदि, और फिर वो नागार्जुन सर क्या पढ़ा रहे हैं? नागार्जुन सर कौन है? गन्नप्पा सर। हाँ गन्नप्पा सर कुछ नहीं करा रहे अभी कल। हमारा है ना सर केमिस्ट्री में अभी मतलब इतना कुछ चल नहीं रहा है। मतलब अभी है ना ये लोग थोड़ा बायो एंड फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब सिर्फ फिजिक्स है ना वो सिर्फ एटीपी का हो रहा है अभी। मतलब जो एडवांस वाला जो बैच है ना सिर्फ उनका हो रहा है। मतलब जो नॉन एटीपी वाले हैं ना वो तो एकदम ऐसे ही बैठे हैं, मतलब उनको कुछ करने का ही नहीं। सोचो तो ये तो बहुत गलत लगा मुझे, लेकिन क्या कर सकते। नहीं स्टेट बोर्ड ये सबसे डिसाइड नहीं होता। वो लोगों को टेस्ट में कैसा मार्क्स आता है ना वो सबसे डिसाइड होता है। तो मोस्टली स्टेट बोर्ड वाले है, लेकिन इतना बराबर सही में ये तो गलत है क्योंकि फीस तो लोग भी उतना भर रहे हैं। हाँ सर फीस भी उतना ही भर रहे हैं। उनको ये वो ग्रेविटेशन वो चैप्टर है ग्रेविटी जो भी वो ही नहीं पढ़ा रहा है तो क्या फायदा। तो फिर और सर ऊपर से आधे से ज्यादा लोग है ना जो देवेंद्र सर है ना उनकी वजह से एडमिशन लिया। अगर वो ही नहीं पढ़ा रहा तो एमजे में रहने का फायदा है क्या? इससे अच्छा कोई दूसरा ही कॉलेज ले लेते हैं जिधर उनको ग्रेविटी ये चैप्टर तो पढ़ने मिलता है। ये लोग वो पढ़ा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे। अच्छा जी चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एसेंशियली पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है इन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अनपैरेलल। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपैरेलल पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेंट, मतलब जो प्लेन में नहीं है। हाँ जो पैरेलल नहीं है प्लेन में वो भी पार्टिसिपेट कर कैसे वो मैं आगे बताता हूँ। सर वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब पैरेलल वाले भी करेंगे कि अनपैरेलल वाले? पैरेलल वाला एक्चुअल में आता ही नहीं, पैरेलल आएगा ही नहीं। क्यों पता है? सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और p ऑर्बिटल है तो sp2 होगा। तो लोग तो पैरेलल आएंगे ही। हाँ वाह भाई ये क्या हो गया? ये अचानक से स्क्रीन शेयर बंद हो गया सर। हाँ ये लैपटॉप खुद से चल रहा है अभी। हाँ सर आपको भी अभी नया लैपटॉप की जरूरत है। ए बाबा मत बोलिए, गरीबी में आटा गीला कर रहा है यार। तो ऐसे ही क्लास बंद है। अरे सर भाड़ा दे के हालत खराब हो रही है। इधर स्टाफ है उन लोग को पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है बेचारे। जो ये होता है ना अपने ये नॉन टीचिंग स्टाफ। हाँ लोग कितना हम लोग क्लासेस से निकाल दिया बेचारों को। मेरे को उनका ज्यादा टेंशन होता है। उनको किधर जॉब मिलेगा, मतलब सर हमारे इसमें तो ये लोगों ने क्या किया, मतलब वो थोड़े बहुत लोगों को ऐसा कुछ अटेंडेंस कमेटी ऐसे बना दिया ताकि मतलब उनका थोड़ा बहुत ऐसा जॉब जैसा रहे, मतलब उनको एक जगह रहेगा ऐसा काम करने का, वो सिर्फ अटेंडेंस लेते रहते हैं पूरा दिन, हर एक लेक्चर में आते हैं, जितना भी लेक्चर होता है ना उसमें अटेंडेंस लेते रहते हैं। हाँ वो भी ठीक है, वरना तेरे सर का कभी खोपड़ा खसकेगा तो बोलेगा अरे सर, अरे वो तो बहुत बार है ना उनको डांट भी चुके, मतलब एकदम भड़क चुके हैं सर उन पे तो, और एकदम मस्त ऐसा मतलब वो पूरा ऐसा टॉन्ट मारना वो सब चलता है सर का, खतरनाक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर पैरेलल पी ऑर्बिटल, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करना, अच्छा तुम लोग बोला, मैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा था। ये देखो, इन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अनपैरेलल पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, हां सर अनपैरेलल पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हां सर अनपैरेलल मतलब वो पीजेड वाला ना जो ऐसे बोलते हैं कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, आएगा अभी आएगा अभी आएगा, देखो मैं बताता हूं, अभी जस्ट अभी ये थियरी लिख के दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्चुअल वाले में। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीक इफेक्ट देन रेजोनेंस, बिकॉज़ बता सकते हो कि because in hyperconjugation effect sigma electron strong bond low energy electron बोल सकते हैं सर, are participated only low energy electron बोल सकते हैं ना, because वो pi होता था and pi में वो high energy था वो वाला। yes right, very reason है। hyperconjugation is weak effect than resonance because in hyperconjugation effect sigma electron participate, sigma electron मतलब strong bond are participated, while in resonance English थोड़ा इधर गलत है but try to understand, ठीक है। awesome. while in resonance pi bond electrons are participating, समझा सर समझा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल अल्कीन एंड अल्काइल हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। सर वो अल्फा, सर वो जैसे एक ऐसा बीटा एलिमिनेशन होता था, अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, वही है क्या? ये वही है सर। अल्फा बीटा सीख जाओगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा क्या होता है। सिमरन तुमको पता होगा अल्डोल कंडेंसेशन। हाँ पता है, अल्फा बीटा बीटा एकदम फेमस है वो, हर बार आता है पेपर। हाँ इजी भी है मैकेनिज्म बस, अल्डोल और कैनिज़ारो। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन आयन कोई एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए ऊपर वाले पॉइंट में है ना, इसीलिए ऊपर वाले पॉइंट में मैंने सिर्फ क्या लिया है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन और अल्काइल। हाँ सर। ड्यू टू रिपल्सन फैक्टर। नेक्स्ट 9th है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट is also known as Nathan Baker. Baker Nathan. No bond resonance. या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो नॉर्मल लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं सिमरन तुमने भी पढ़ा होगा, लेकिन इतना सारा डिटेल में नहीं पढ़ा, इतने सारे पॉइंट्स। समझे? मैंने कभी ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं था 11th वाला। अरे बाबा, तुम भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर दी तो। सब इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बदौलत। नहीं सर, मतलब मैं 12th का ऑर्गेनिक किया था ना, तो फिर मुझे उससे समझ ही जाता था। मतलब मेरे को जो टीचर पढ़ाती थी ना 12th में, तो उनको पता ही था कि 11th का डब्बा गोल होता है सबका, तो फिर वो एक्सप्लेन कर देती थी साथ में, तो इवन दो नहीं किया था, याद रहता था। क्लासेस की या स्कूल की? हाँ, क्लासेस की टीचर नहीं, वो एक्चुअली मैंने एक ट्यूशन लगाया था, तो फिर वो इधर ही मेरे फ्रेंड्स जाते थे उधर, तो वो बोलते थे अच्छा पढ़ाती है, तो फिर मैं भी चली गई, क्योंकि 11th का केमिस्ट्री देख के ऐसा लगा कि बहुत हार्ड होगा, तो फिर उधर ही लगा दिया। 12th में रिस्क नहीं लेना है। Okay. Following conjugated system gives हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट। अभी वो चित्र बनाता हूँ, ये देखो, ये कार्बन है और ये CH2, राइट? ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी p ऑर्बिटल हुई। और यहाँ पे ये इसका H हुआ, लेकिन ये तो Hp3 हाइब्रिडाइज है ना, आया ना? और तुमको पता है इसमें ये प्लेन के पीछे होगा, मतलब जिस प्लेन में ये है, ये प्लेन के पीछे होगा हाँ। और ये प्लेन के आगे होगा, हाँ। राइट ना? और ये प्लेन के ऊपर या नीचे होगा, बराबर ना? ये इधर अबव या फिर नीचे, राइट? तो मतलब देख रहे हो, अब ये है ना, इससे ओवरलैप है, कैसे करता है वो बता दो। बीच बीच में चित्र बनाना होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, और मेरे को चित्र बिल्कुल पसंद है। Okay. देखो देखो इसको, जल्दी देखो, ये C है, ये CH2 है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका ऑर्बिटल है, और इसमें कौन है? इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और इधर क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन सब में होते, तुमको पता हो गई, राइट? तो ये वाला भी इससे ओवरलैप होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, मतलब एक एक आग करके उससे ओवरलैप होता है। चलो, इसके लिए भी मैं थोड़ा कैमरा ऑन करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। सर, वो लेफ्ट वाला कैसे ओवरलैप होगा, वो ही नहीं समझ रहा हूँ। वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ चित्रों की बदौलत। जरा देखो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ, पेंसिल की मदद से समझा। अरे सिमरन, जोर से खांस रही हो, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर। ये देखो, ये दिख रहा है तीन? हाँ सर। सर तीन नहीं, दो ही है। ये पीछे है ना, एक पीछे साइड है। हाँ, अच्छा, वो दिख नहीं रहा था। ये पीछे साइड गया, बराबर? हाँ सर। ये पिंक वाला पीछे साइड जा रहा है, और ये ऐसे है ना, ये पी ऑर्बिटल है, राइट? तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा ना? हाँ करेगा ना। और ये ऐसे घूमा, हाँ, मतलब घूमता रहता है, रोटेशन करता रहता है। हाँ, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, बराबर? ये करेगा, फिर ये भी कर सकता है, और फिर ये भी कर सकता है। बोलो, समझा? हाँ क्लियर ना आदि? हाँ सर। ओके, हम लोग को जो सर पढ़ाते थे ना वो बोलते थे जिसको ये विजुअलाइज होता है ना वो लोग अलग होते हैं, तो तुम लोग भी अलग हो। तो हम लोग एक्साइटेड हो गए, मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैं बोला सर अलग मतलब क्या? तो बोलते हैं एग्जाम होने के बाद बताऊंगा। फिर बाद में सर मिले नहीं क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, मतलब लिया नहीं एडमिशन, तो नहीं तो सर से मिलते कि हाँ सर आईआईटी बी में है, बी का अलग ही रहता है ना, बाकी छोटा मोटा आईटी में जाके कुछ मतलब नहीं। हाँ मतलब ठीक है, लाइक जिनको पैशन है इंजीनियरिंग का, मशीन का लव है उनको, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। तो ये समझना है। Yes, तो यहाँ पे देखिए अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया था मैंने, किया है और मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? वीडियो पिन क्या रहेगा उसको अनपिन करना पड़ेगा। ओके हाँ हाँ ओके सर। देखा, इसीलिए मैं आदि को बोलता था आदि यू डू इंजीनियरिंग। सर इंजीनियरिंग में मैथ्स है सर, मैथ्स जमता नहीं है इतना। मैथ्स ही तो अच्छा होता है। हाँ मैथ्स तो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब मैथ्स में ठीक आता था मुझे, मैथ्स में मेरे को ठीक आता था। एंड मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में भी मेरा मैथ्स अच्छा खासा लाइक फास्ट और ये सब है, लेकिन मतलब मैं ना ये मेरे जो कॉलेज वालों का सर देखा ना ट्रिग्नोमेट्री एंड ये सब, मेरे को बिल्कुल मन नहीं रहता है पढ़ने का वो सब। मेरे को पढ़ना था मैथ्स, लेकिन उन लोगों ने बोला पीसीएम भी बहुत लोड होता है तो फिर छोड़ दिया। हाँ सही में बहुत लोड होता है, मतलब नहीं हो पाता है। बट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने एम्स भी क्लियर किया था और ये आईआईटी। हाँ हमारे भी एक सीनियर है तमोगना घोष करके थे, वो दोनों किया था, मतलब है वो एकदम अलग ही प्राणी है कुछ। ये कुछ अलग ही चक्की काटा। चलो देखते हैं यहाँ पे। बाय द वे वैसे मैंने भी ये एग्जाम अटेम्प्ट की है मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों, इसमें से है ना मेडिकल पहले दिया था, बाद में इंजीनियरिंग का आ गया। इधर देखो ये है ना, ये क्या दिखा रहा है पता है? रोटेशन होता है, मतलब इसका है ना, इसका इसके लिए ऐसे रोटेशन होगा, ऐसे तुम मैंने स्क्रीन पे दिखाया, तुम ऐसे सोचो ये पार्ट स्क्रीन के पीछे। कौन सा पार्ट सर स्क्रीन के पीछे? जो पिंक कलर से बनाया। हाँ हाँ ठीक है। और ये पार्ट स्क्रीन के मेरे साइड। हाँ हाँ सर वो डैश एंड डैश से बता दो ना। एक्चुअल में जो डार्क वाला पार्ट है ना ये स्क्रीन के अंदर, हाँ स्क्रीन के बीच में, हाँ आगे पीछे, और ये मेरे से थोड़ा सा पीछे है। एक्चुअल में कैसा होता है ये देखो, ये पीछे साइड ठीक है। अच्छा बैच मतलब ये ऐसे, मतलब मैंने इधर दिखाया था ना ये, हाँ वो ये वाला जो ऐसे दिखाया था ना ऐसे, हाँ। ये है एक्चुअली, तो ये बीच वाला पार्ट स्क्रीन के वो साइड है, ये वाला पार्ट इधर, हाँ सर राइट। और ये जो है ये सामने है, हाँ। फिर इधर वाला घूम के ऐसे आएगा, हाँ। फिर वो नीचे वाला भी घूम के आ सकता है, हाँ। तो ओवरलैप होगा सिर्फ आगे वाला पार्ट, हाँ मतलब जो सामने इसके आया है वो ओवरलैप हो जाएगा, फिर ये घूम सकता है, फिर दूसरा वाला ओवरलैप राइट। हाँ सर ओके, ये क्लियर है ना? हाँ सर ओके। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके बगल वाले, ठीक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कार्बन बोलते हैं। तो ये जो कार्बन है व्हाइट वाला इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन बराबर। और इसको जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ठीक है। और ये प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया और वो एच दिया से कुछ याद आ गया आदि? क्या सर? पुराना सहेली। अरे सर गड़बड़ हो गया। अब मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन क्या कर, ये पुरानी यादें ताजा हो जाती, इमोशनल हो जाता आदमी। अरे क्लास में तो मतलब मैं रहता हूँ ना लेक्चर ऐसे, तो यू वोंट बिलीव, मतलब जिनका मार्क्स कम होता है ना और दूसरे बैच में रहते हैं वो भी आके बैठते हैं मेरे लेक्चर, बोलते यार मजा आता है सुनने का। सिर्फ मैं बोला हाँ सालों पहले फीस पूरा भर दो फिर आओ ऐसा है। लेकिन कमजोर बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कैसा मतलब पता है, उनका इतना हाई पेशेंस नहीं है क्योंकि कंटेंट डिलीवरी बहुत ज्यादा है, मतलब ये दे शुड हैव अ पेशेंस। उनको आप लोगों को नहीं लगता ऐसा कि सुनने का बहुत उनको बोलते हैं ना एनर्जी होना चाहिए ऐसे कंटिन्यूस, और इतने सारे कंसेप्ट ध्यान रखने ये सब बहुत सारा कंसेप्ट हो जाता है ना। हाँ, ये तो नोट्स में जब आता है तब पता चलता है 8-10 पेज हो गए। हाँ सर वही कुछ ज्यादा ही है सर। तो इसमें कितने का हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएंगे, ठीक है? चलो देखो मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट। ये तो खैर पॉजिटिव के लिए हुआ, कार्बोकेटाइन के लिए ना। अब नेक्स्ट हम लोग किसके लिए देखेंगे? अल्कीन, ठीक है? अच्छा हाँ अल्कीन, फिर उसके बाद चाहिए तो फ्री रेडिकल भी दिखा दो। तो फ्री रेडिकल से करेंगे क्या? हेलो हाँ सर, पहले अल्कीन का देखते हैं फिर फ्री रेडिकल देखेंगे, ठीक है? अल्कीन तो ये देखो ये H हो गया, ये C, ये H और ये H, यहाँ पे ये C, ये H डबल बॉन्ड CH2, राइट? अब ये है ना, ये अल्कीन है ना, इसका है ना एक और ऑर्बिटल होता है जो परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और इसको बोलते हैं पाई एबीएम। एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, अच्छा ओके, पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ सर ठीक है। हाँ सर तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर वापस इधर, फिर ये वाला भी इधर और फिर ये वाला इधर, बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। तो ये किसका ओवरलैप हो गया? ये जो है ना ये, इसको बोलते हैं पाई बीएमयू। पाई बीएमयू मतलब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? और एक बात बताऊं आदि, तो ये है ना ये पाई ऑर्बिटल ऐसे है, ये छोटा सा बना के बताता हूँ ऐसे, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर है और ये पाई एबीएमयू है ना उसके परपेंडिकुलर। ओके मतलब वो ऊपर नीचे और ये अंदर बाहर है। हाँ वेरी गुड सही शब्दों का प्रयोग किया, बट डोंट यूज इट एनीवेयर लाइक। हाँ सर हर जगह पीपल आर डिफरेंट लाइक। तो ये हो गया बराबर ऐसा था, बट पता नहीं क्यों मेरे को एक स्टेटमेंट बोलने का मन कर रहा है, बोल देता हूँ मैं। कैसा पता है मेरे हिसाब से अब ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए, बताओ क्यों? सोसाइटी का घर वालों का बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाता है, पता है? हाँ सर फलाने के लड़के फलाने की लड़की बहुत तेज है पढ़ने। हाँ तो सब क्या सोचते पता है, ये तो आईएएस बनेगी, ये तो आईएएस बनेगा, आईआईटीएन बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अरे बाबा लेकिन मुझको भी तो कुछ तो करना है ना, मेरे भी खुद की ख्वाहिश है, मुझे नहीं केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे ऑर्गेनिक नहीं पसंद है, बट फिर भी करना पड़ता है। पता है मैंने स्टैंड अप किया है समवट अराउंड 50 शोज। हाँ सर अच्छा स्टैंड अप पता है ना आदि तेरे को? स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ पता है सर, पता है। हाँ लेकिन घर वाले फिर बोलने लगे नौटंकी करोगे। अब क्या बताएं, मतलब बोलते हैं इतना बड़ा डिग्री है, इतना सब ये वो, नौकरी छोड़ दी इतनी बड़ी और अब यही सब करोगे, क्या बोले अब लोगों को? क्या बोले कि हमको उसमें ही मजा आ रहा, आप लोगों ने खराब कर दिया, आज इधर फेमस होते बराबर ना आदि, टीवी पे आता मैं तू भी खुश होता बोलता अरे मेरा सर देखो टीवी पे आ रहा है, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, बताओ कैसे? क्योंकि आप उसको पढ़ाते ही नहीं। अगर सर ये देखो वापस लगा दिया ना तुमने तेज वाला दिमाग, यही प्रॉब्लम तेज नहीं होना चाहिए। तो देखो तो अब ये है ना पी एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन देगा, समझा? एबीएमओ में क्या इलेक्ट्रॉन, तो इधर बन जाएगा ना डबल बॉन्ड का माहौल, क्या बोलते हो? हाँ सर हाँ। तो इधर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो मैं वही बॉन्ड बनाने की, बॉन्ड बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको डॉट डॉट लेता हूँ, और एक चीज क्या इसको भी मैं डॉट डॉट दिखा ही सकता हूँ, इसके साथ नहीं साथ, ये भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा बराबर। और उस पर डॉट डॉट आया तो नो डाउट इधर भी डॉट डॉट आएगा, इधर भी डॉट डॉट है। कैसे जरा देखो ना, जब ये इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पाई बोलेगा ओह तेरे को उसका साथ मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ। एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तो केमिस्ट्री क्या क्या सिखाती है। Not make two bonds simultaneously. It leads to instability. But human पता सबके ऊपर है, वो कुछ भी गलत कर देता है। Okay, ये क्लियर हुआ क्या? ये डबल बॉन्ड वाला थियरी पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ सर समझा। सर। तो आप जरा देखो इधर, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ बराबर। Yes. बॉन्ड लेंथ हाँ सिंगल बॉन्ड का डबल हाँ, और इसमें इंक्रीज। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज। देखो ये कंसेप्ट आप इजीली समझ जाओगे क्योंकि अभी पीछे मैंने सिखाया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। अब यही बच्चा लोग जो आईआईटी जेईई एडवांस और एम्स देता है, उन लोग थोड़ा हाईफाई लैंग्वेज का प्रयोग करता है। सिग्मा बीएमओ, सिग्मा बीएमओ मतलब ये जो कार्बन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो उसका पाई एंटी बॉन्डिंग वाला है। ये पाई एस्टेरिक बोलते हैं इसको, एस्टेरिक हाँ एस्टेरिक बोलते हैं हाँ। कुछ अंग्रेजी में कमजोर टीचर इसे स्टार भी बोल देते हैं, समझ में आया? तो सिग्मा बीएमओ इलेक्ट्रॉन एंड पाई एस्टेरिक एबीएमओ हाँ। यू नो सिवन दिस राजेश सर और लाइक भरत सर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इनहेरेंट टैलेंट बिकॉज़ आई डोंट कम्युनिकेट विद देम दिस मच। अच्छा मतलब whether it is content knowledge या फिर ये सब जो है ना, I never discuss on this. मतलब we talk normal, जैसे human मिलते हैं तो पता है ना बात करेंगे और क्या हाल चाल है, कैसा क्या क्या चल रहा है। वो तो पापा बता रहे थे अंकल को कि इसका कुछ तो टेंशन आ रहा है, ये साल क्या करेगी। तो फिर तभी अंकल ने बोला अरे नहीं सर एक्चुअली मैं अच्छा पढ़ती हूँ, तो फिर आजू बाजू में वही जैसा आपने बोला सबको यही लगता है ये तो निकाल लेगी, और फिर नहीं निकालते तो सबका क्वेश्चन मार्क आ जाता है दिमाग में कि क्या हुआ क्यों नहीं निकला। यही तो आधा प्रेशर डाल देते हैं, क्यों नहीं निकला, ये बाहर निकलती थी। सर मैं पढ़ाई करती हूँ बट मैं बाहर भी जाती हूँ, दोनों बैलेंस रहता है। तो दे आर लाइक बाहर जाने पे ज्यादा ध्यान दे दिया इसलिए ये हो गया ब्ला ब्ला चालू हो जाता है। वो सोचते हैं कि एकदम गोबर बन के घर में बैठे। सर बचपन से मैं खेलना इना सब मैनेज करके, मैं ज्यादा बुकवर्म नहीं थी कभी भी, तो इसके वजह से तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बुकवर्म है ना, बुकवर्म ये आती है मतलब हमेशा पढ़ते रहते। सर मैं बुक्स को हाथ ही नहीं लगाता हूँ सर। नहीं नहीं बेटा अभी ऐसा हाथ लगाना पड़ेगा, समझ में? अरे सर अभी तो हो रहा है सर धीरे धीरे। ओके इधर देखो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर 3 है बराबर ना हाँ। ऐसा है। अच्छा मैं तुम लोग को ये बताऊं क्या, थोड़ा एडवांस हो जाएगा बट बताऊं कि बेकर नाथन को कैसे पता चला कि हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है? हाँ सर बताओ हाँ, 5 मिनट्स में बता दो। बोलो बोलो। इधर देखो ऐसा था बेंजीन रिंग और इसके ऊपर 3 ग्रुप थे, CH3 और CH3 एक और ग्रुप था CH3H और यहाँ पे CH3। ऐसा था CH H CH3 और ये है CH H। तो अगर तुम लोग इफेक्ट देखो रिएक्टिविटी का, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब G प्लस है तो G प्लस किससे आना चाहेगा? इससे ज्यादा आना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बराबर, ज्यादा हो गई हाँ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया पता है कि रिएक्टिविटी ऐसे है क्योंकि इसमें देखो ये कार्बन क्या है, ये तो पाई बॉन्ड वाला कार्बन है ना तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा बराबर। हाँ, तो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन कितने हैं? 3। हाँ, इस अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अच्छा, अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन एक ही है। अच्छा, हाँ, बेकर नाथन का दिमाग खसक गया। बोलतो अगं बाई हे काय चाललंय, मला कळत नाही। हां, बेकर नाथन बोले आदि अरे सबके ना समझ में आई, कुछ अलग होता। हाँ, तो लाइक देयर इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट ऐसा। ये हालांकि एडवांस में पढ़ाया जाता है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने सोचा वो बोलते हैं ना भड़ास थी, तो मैं बोलूं चलो बता देते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा पता रहता है बट बोलते हैं ना पढ़ा नहीं पाते। अब जैसे मैं तुमको फ्रेंकली बोलूं, सिमरन जो राजेश सर का क्लास है और जिधर भी मैं ऐसे लेता हूँ ना लेक्चर, वहाँ पे मैं मेरे ज्ञान का सिर्फ 1% दे पाता हूँ। क्यों? प्रॉब्लम क्या पता है? देयर इज नो वन टू एक्सेप्ट इट। मतलब उनका कैसा पता है कि सर के चैप्टर बहुत बड़े बड़े जाते हैं ये, और अपना कैसा है मतलब कि ऊपर ऊपर से मजा नहीं आता है। रीजनिंग बताने में बहुत अच्छा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे कारण का, ऐसा। क्योंकि हम लोग वैसे पढ़े हैं तो हम लोग वैसा बताते हैं, लेकिन होता है ना बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता। उनका ऐसा है कम पढ़ाओ और फट से हमारा नीड जेई क्लियर हो। क्या बताओ कि ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। अगर होता तो मैं सबको बुला लेता, फटफट बोलता है एक महीने में फीस भरो, 15 दिन में एग्जाम क्लियर। जो तुमने एग्जाम्पल दिया था ना अभी थोड़ा देर पहले, वैसा वाला एग्जाम्पल देता। गई में सर 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आई। सर मतलब मैं 1 मिनट आके फिर रेस्ट करती। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सर, मुझे लगा मैंने बोला 1 मिनट जाती हूँ 2 मिनट बाद आती हूँ, इसलिए। अच्छा, मैंने ये बोला था। ये है ना कि अपने मतलब अपने रिलेटिव की बेटी हो, नहीं तो ना मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट रहता है ना, सब लोग मतलब ऐसे आधा मस्त डिस्कशन चलता रहा है, 15 मिनट तक सबका मूड फ्रेश हो जाता है, ऐसा है। लेकिन कैसे सबको नहीं बोल सकते। आदि सुन रहे हो ना तुम? हाँ, तो सुन। हाँ, नहीं तो बोलोगे सर पार्शियलिटी करते हो। अरे सर मैं कुछ बोला ही नहीं सर, मैं बस सुन रहा हूँ। चलो ये क्लियर हुआ। आप जरा देखो इधर, ये जो कार्बन है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा राइट, और ये इधर होगा। ये मेरे ख्याल से मैंने एक पॉइंट गलत लिख दिया। 1 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड में बताता हूँ मैंने किधर, तो कुछ गलत लिख दिया है, दिमाग ऐसा बोल रहा है। 1 सेकेंड, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के स्टेटमेंट को वापस चेक कर रहा हूँ। अल्काइल अल्कीन फ्री रेडिकल किधर लिखा था? फ्री रेडिकल नीचे है ना, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल इधर पकड़ा गया। इधर है ना, मैंने अल्काइल लिख दिया था, ये देखो ये अल्काइन आएगा। हाँ, तो अच्छा हुआ मुझे याद है, नहीं तो आदि पढ़ता बोलता गलत पढ़ा। पता है आदि क्या सर, तेज दिमाग होने के लिए क्या करना चाहिए पता है क्या? बताओ, एनी आइडिया? बादाम खाओ, मेरे को क्या पता। पता है बादाम है ना, बादाम लोग खाते हैं। जो बादाम रहता है ना मतलब वही बादाम खाते हैं। वॉलनट सर, वॉलनट इट्स लाइक नेचुरल होता है, यू कैन नॉट इंक्रीज इट। हाँ, कुछ केमिकल्स है, केमिस्ट्री ने कुछ डेवलपमेंट किए हैं कि वो इंक्रीज कर सकता है, बट नेचुरली है। तुमको तो वो सब थियरी पता होगा बायो वाले स्टूडेंट को, आजकल वो सब आ गया है ना बायोटेक्नोलॉजी में। आपको कैसा कैसा फ्यूचर जनरेशन चाहिए, वैसा मैनिपुलेशन हो जाता है। नहीं, वो लोग सिर्फ रिफ्लेक्स बढ़ाते हैं, वो लोग कुछ काम का नहीं आता है, वरना सब इतने अच्छे हो जाते हैं। नहीं, चाइना है ना, चाइना। हाँ, लेकिन कैसा आपने मेरे को पहले भी बोला है